नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक और सेफ कार के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। काफ़ी ज़्यादा ये गाड़ी आती है रेनो की तरफ से। कौन सी कार है, क्या है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कार्स एंड बाइक्स रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। तो दोस्तों, जो सेफ्टी है वो काफ़ी ज़्यादा अब मैटर करती है। जब भी कोई नया बायर अब मार्केट के अंदर कोई भी नई गाड़ी खरीदता है, काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो अब काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं सेफ्टी के अंदर। उनमें अगर मैं प्रायर ब्रांड्स की बात करूँ तो वो है टाटा। टाटा अपनी सारी गाड़ियों में, चाहे आप टिगोर देख लीजिए, चाहे आप टियागो देख लीजिए, जो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी हैं, उनमें भी सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। इसके अलावा महिंद्रा की तरफ से भी जो नए लॉन्चेस हैं उनमें भी आपको सेफ्टी अच्छी देखने को मिलती है। और आज जो है एक और गाड़ी एक सेफ्टी तरीके से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, उसने खुद को प्रूव कर दिया है। और वो गाड़ी आती है रेनो की तरफ से, रेनो ट्राइबर। तो रेनो ट्राइबर बेसिकली काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल का मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा चीप, जिस तरीके से 7 सीटर गाड़ी है, वो जिस तरीके के फीचर्स हैं और जिस तरीके की गाड़ी है, जिस प्राइस बैंड के अंदर आती है। प्राइस की अगर मैं बात करता हूँ तो 5.30 लाख से लेके 7.82 लाख तक एक शोरूम प्राइस रेनो ट्राइबर की रहती है। काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर जो हैचबैक्स हैं वो भी इसी सेम प्राइस कैटेगरी के अंदर आती हैं। यही प्राइस है काफ़ी सारी जो है हैचबैक्स का, और उस प्राइस के अंदर आपको 7 सीटर MPV देखने को मिलती है रेनो की तरफ से। और आज जो है ग्लोबल एनकैप की तरफ से एक वीडियो बाहर रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि सेफ्टी के अंदर रेनो ट्राइबर ने 4 स्टार्स अचीव किए हैं ग्लोबल एनकैप की तरफ से। और मेरे हिसाब से इस गाड़ी के लिए इस तरीके की एमपीवी जो इतनी ज़्यादा सस्ती है और इतने अच्छे जो है प्राइस ब्रैकेट के अंदर आती है, अगर वो 4 स्टार्स की सेफ्टी के साथ आती है तो ये बहुत अच्छी डील रहती है। और मेरे हिसाब से जो रेनो ने किया है उसके लिए उन्हें बधाइयाँ देनी चाहिए, और काफ़ी जो है अच्छा किया है। और मेरे हिसाब से अब यहाँ पर चीज़ प्रूव हो जाती है कि केवल महंगी गाड़ियां ही सेफ नहीं होती हैं। आप सेफ्टी अगर आपको चाहिए तो सस्ती गाड़ियों में, मतलब कि जिनकी प्राइस कम है, उनमें भी आपको सेफ्टी देखने को मिलनी चाहिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आओ तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।